तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आपको बता चल ही चुका होगा कि आईबीपीएस क्लर्क के प्रिलिमिनरी स्कोर कार्ड्स आउट हो चुका है, तो आपने देख भी लिया होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, क्लिक हियर टू व्यू योर स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्लिक हियर टू व्यू योर स्कोर्स अगेन, देन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है 1960781487 और साथ ही साथ आपका पासवर्ड जो कि डेट ऑफ बर्थ है 17/11/94, फिर कैप्चा की बात करें WKJB6, सब कुछ डालने के बाद लॉगिन कर दिए तो हम अपने स्कोर कार्ड की ओर पहुंच गए। ऑलमोस्ट कहां गया ये रहा। चलिए तो अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो ये रहा कौशिक मोहंती, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ओडिशा स्टेट से अप्लाई किया हुआ था और ये डेट था एग्जामिनेशन का 5th of December 2020 और मेरा फोर्थ शिफ्ट था, सबसे लास्ट वाला शिफ्ट, और ओडिशा स्टेट से जनरल कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया था फॉर्म। और स्कोर्स कुछ इस तरह हैं, इंग्लिश में स्कोर्स हैं 25 और अटेम्प्ट्स में भी लगभग कुछ 25 के आसपास थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में स्कोर है 30 लेकिन अटेम्प्ट्स शायद 30 प्लस कुछ थे। रीजनिंग में अटेम्प्ट स्कोर है 24 लेकिन अटेम्प्ट्स लगभग 30 के आसपास है, मतलब इन दोनों में तो बरकरार रहा है एक्यूरेसी परफेक्टली, लेकिन रीजनिंग में कहीं ना कहीं 6 मार्क कटने के पीछे का रीजन अगर हम सोचें तो एक कंप्लीट पजल का सेट शायद गलत हुआ होगा। या फिर फोर्थ शिफ्ट 5th of December में जो पेपर आया था वहां पे रीजनिंग वेरी इजी था, बहुत ही इजी था, तो वहां पे अगर रीजनिंग इजी था तो शायद नॉर्मलाइजेशन में कुछ क्या कुछ मतलब चेंजेस हुआ होगा स्कोर में, तो ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 5th December फोर्थ शिफ्ट में क्वांट सबसे टफेस्ट पूछा गया था। टफेस्ट के पीछे का रीजन ये है, पेपर सरप्राइजिंग था क्योंकि उसी पहले दिन फोर्थ शिफ्ट में जो सिंप्लीफिकेशन आपको देखने के लिए मिले थे वो हैरतअंगेज सिंप्लीफिकेशन, भयंकर भैया, आज तक जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सर्ट्स और इंडिसेस, फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सारे के सारे, आंसर फ्रैक्शन सारे के सारे, ऑप्शन डेसिमल्स, ऐसे करके मतलब जितना भयंकर होना था सिंप्लीफिकेशन उसने दे दिया। तो हमने ये गलती किया कि सिंप्लीफिकेशन को इजी मानते, हमने सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा था, इसीलिए शायद वो टाइम कंज्यूमिंग की वजह से पॉइंट सेक्शन थोड़ा इधर उधर हुआ होगा। लेकिन अगर मैं उसके बाद वाले दिन में भी बात करूं तो पॉइंट में सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स और इंडिसेस, फ्रैक्शंस, डेसिमल से पूछे गए थे, लेकिन दैट वाज प्रेडिक्टेबल बिकॉज पहले उन्होंने देख लिया था। तो देखने के बाद उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी में हल्का चेंज किया होगा कि अगर सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट आए तो मैं पहले अरिथमेटिक डीआई को लिपटा के, क्वाड्रेटिक वगैरह लिपटा के उनके ऊपर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जाऊंगा। तो ये एक एडवांटेज था जो कि हमारे फोर्थ शिफ्ट 5th of December में नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्वांट का पेपर टफ था जिसके वजह से शायद नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा मार्क्स आए होंगे। क्या कुछ हुआ होगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो भैया और कुछ बताएंगे भी नहीं, क्या क्या गलत आप लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जो भी हुआ होगा भैया, टोटल मार्क्स 79 है और टोटल अटेम्प्ट्स मेरे 85 लगभग थे क्योंकि रीजनिंग में मेरे 30 के लगभग अटेम्प्ट्स थे, तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग ने निकल लिया और कट ऑफ जो है ओडिशा स्टेट का वो है 75। तो बस यही आज के सेशन में था, स्कोर कार्ड शेयर करना चाहते थे। और हाँ, अगर आपको क्वांट बेसिक से एडवांस पढ़ना है तो डेफिनेटली यूट्यूब में हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्वांटम कैट सीरीज बाय सर्वेश के वर्मा। तो वो पूरा का पूरा किताब जो है क्वांटम कैट का सर्वेश के वर्मा, अभी दिखा भी देते हैं, एक सेकंड यहीं पे होगा। तो ये जो कंप्लीट बुक है, ये कंप्लीट बुक मैं आपको लेवल 2 का करवाने वाला हूं। आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उस रिलेटेड कैसे कुछ करवाने वाले हैं, तो उन सेशंस पे जरूर से जुड़िएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और हाँ, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर यार बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी हम इमीडिएट लाइव सेशंस आए ना आप हमारे साथ जुड़ पाए। बस यही कहकर आज के सेशन को एंड करते हैं, जुड़े हमारे साथ, देखते रहे कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।